आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। बड़ी खबर है, योगी राज में भी भूमाफियाओं का हौसला बुलंद। भूमाफिया ने किया गरीब ग्रामीण की जमीन पर कब्जा। जी हां, मामला जनपद श्रावस्ती विकास खंड सिरसिया के शाहपुर बरगदवा का है, जहां पर दबंग खनन माफिया अशोक वर्मा ने किया अब्दुल हकीम उर्फ दुल्की के फसल लगे हुए जमीन पर कब्जा। जब व्यक्ति जाकर उनसे कहने लगा तो धमकी देते हुए दबंग ने बताया कि सभी सिपाही व दरोगा हमें जानते हैं, जो करवाना हो करवा लो, सभी हमारे यहां ही आकर चाय पीते हैं। प्रार्थी के अनुसार जब इसकी शिकायत थाना सिरसिया पर किया गया तो एसआई कुलदीप दबंग के घर जाकर चाय पानी पीकर खर्चा लेकर वापस आ गए। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक दबंग इस प्रकार खुलेआम गरीब के जमीन पर कब्जा करते रहेंगे और गरीब न्याय के लिए दर दर भटकते रहेंगे। श्रावस्ती से रमेश गुप्ता की रिपोर्ट। ए, आपका नाम क्या है और कौन से गाँव रहते हैं और आपका पूरा मामला क्या है? हम बरगदवा रहते हैं, हमारा अब्दुल हकीम नाम है। क्या है आपका मामला, किस मामले को लेकर क्या प्रार्थना पर थाने पर दिए? हमारी जबरदस्ती सरकसई से अशोक वर्मा ने हमारा खेत कब्जा कर लिया है। कई बीघे खेत कब्जा किया है उन्होंने? 1 बीघा। इसका प्रार्थना पत्र आपने थाना सिरसिया में दिया? जी, थाने में दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं होता है। क्या कहा? कल सिपाही गए थे वहाँ पर चाय पानी पी कर के अपने घर लौट आए थाने का। तो इसके आज जो है आप थाने पे नहीं गए? दबंग आदमी है तो बालू माटी के काम करते थे रात दिन। कौन दबंग है? अशोक। अच्छा, क्या करते हैं अशोक वर्मा? बालू भरते हैं रात में और बेचते हैं देहात में। तो क्या सिरसा थाने के लोग उनको पकड़ते नहीं हैं और जो है इस तरीके से धंधा करते नहीं हैं? वो मिले जुले काम करते हैं साहब। बोवा खेत हमारा जोत लिया। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। कहा मोहम्मद कलीम, मैं बरगदवा का रहने वाला हूँ। क्या है प्रकरण, किस प्रकरण को लेकर के आप थाना सिरसिया में प्रार्थना पत्र दिए हैं? जी, मेरा खेत है अशोक नाम का, वो 1 बीघा मेरा जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। इसलिए मैं पुलिस थाना आया तो मेरा कोई सुनवाई नहीं किया। हाँ, वहाँ पुलिस गई तो खर्चा पानी लेकर वापस लौट जाई, इसलिए मेरा कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। जिस दबंग ने आपके खेत को कब्जा किया है, क्या करता है वो? वो बालू का धंधा करता है, उससे पुलिस नहीं मिली रहती है, खर्चा पानी देता रहता है, इसलिए उसका पुलिस नहीं मिली। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? मेरा 1 बीघा वापस दे दीजिए बस। जबरदस्ती उन लोगों ने कर्जा किया, उधर गया तो मारने कर छुटे, मेरे को धमकी दी उसने उन लोगों ने। क्या कहा उन्होंने, क्या धमकी दिया? वहाँ खेत बोया था तो वहाँ गए ट्रैक्टर लेकर, जबरदस्ती जोर डाला, उस मेरा मेन रोड बनवा दिया। उसमें मैं वहाँ गया तो मेरे को मारने डोले छोटे वाले। तो इसकी जानकारी हमें थाना सिरसिया में दी है।